नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम लोग आए हुए निराला स्टेट फेस टू में और देखने वाले हैं 1385 स्क्वायर फीट फ्लैट की एक्चुअल वीडियो, जो कि 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम है। तो अगर हम लोग इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर पर टोटल 4 फ्लैट्स हैं, 2 लिफ्ट और 2 स्टेयर्स हैं। तो चलिए फ्लैट को देखते हैं। तो ये इस फ्लैट की एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में आपको काफ़ी अच्छा ड्राॅइंग और डाइनिंग का एरिया मिलता है। एल शेप में ड्राॅइंग और डाइनिंग है। ये अभी रॉ कंडीशन में है तो अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, आपको केवल एक एरिया का आइडिया लगेगा। तो ड्राइंग और डाइनिंग के साथ में ये सबसे पहला बेडरूम होता है। इस बेडरूम में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है, उसके अलावा विंडो के लिए स्पेस है। इसमें विंडो वगैरह आपको लगा के देते हैं, कबर्ड वगैरह आपको खुद बनवानी होगी। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने की तरफ किचन है। किचन में आपको दोनों तरफ स्लैब मिलते हैं, साथ में आपको एक यूटिलिटी बालकनी मिलती है। ये बालकनी का एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। और सामने की तरफ पूरा ये पार्क डेवलप होगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ तो अभी हम लोग फेज़ टू में खड़े हैं, टावर नंबर 25 में। और ये जितने भी टावर्स आपको दिख रहे हैं फेज़ टू का ही पार्ट है। बेसिकली टोटल 5 टावर्स हैं जिनकी हाइट टोटल 24 फ्लोर है। और इसका जो पोजीशन होगा दिसंबर 2021 प्लस 6 मंथ का ग्रेस पीरियड आप मान के चल सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको दिसंबर या आप कह सकते हैं मार्च अप्रैल तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। अब चलते हैं अगेन डाइनिंग रूम की तरफ, मैं आपको वहाँ से भी बालकनी दिखा देता हूँ। तो ये ड्राइंग और डाइनिंग हम लोगों ने देखा, यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। और ये इसके साथ एक आपको बालकनी मिलती है जो कि ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड है। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये सेकेंड बेडरूम होता है, बेसिकली इसको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। इन तीनों रूम्स में सबसे बड़ा बेडरूम है। इसमें कबर्ड के लिए भी आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, काफ़ी बड़ी अलमीरा यहाँ पर बन सकती हैं। और साथ में आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिलता है। इसमें आपको सारी फिटिंग्स वगैरह होके मिलती है अभी रॉ कंडीशन में, तो केवल आपको एक एरिया का आइडिया लगेगा। और इसके साथ भी अगेन आपको एक बालकनी मिलती है। यहाँ पर बालकनी सभी रूम्स के साथ, ड्राइंग रूम के साथ, किचन के साथ, सभी के साथ आपको बालकनी मिलती है। तो आपको दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फ्लैट में प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो ये हम लोगों ने पूरा रूम देखा। अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। तो ये थर्ड रूम होता है, इसके लिए जो वॉशरूम यूज़ होगा वो ये वाला वॉशरूम यूज होगा। बेसिकली इस बेडरूम के लिए और इस बेडरूम के लिए यही वॉशरूम यूज होगा। कोई गेस्ट आता है तो वो भी इस वॉशरूम को यूज़ करेगा। तो ये पूरा वॉशरूम है, सामने आपको एक विंडो लगी हुई मिलेगी। और ये थर्ड बेडरूम है, इसमें भी आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है। और अगेन आपको इसके साथ भी बालकनी मिलती है। तो सामने पूरा जो आपको दो शॉप्स दिख रही है, ये पूरा जो दो ब्लॉक है बेसिकली, ये दोनों कमर्शियल ब्लॉक्स हैं। इसमें आपको दुकानें मिल जाती हैं, उसके अलावा इसमें प्ले स्कूल भी है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।